हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे आपके चैनल में राकेश बाइक रिपेयरिंग में। तो फ्रेंड, ये हमारे पास आई हुई एक्टिवा और इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, सेल्फ स्टार्टिंग की प्रॉब्लम आ रही है। फ्रेंड, आप लोग सोच रहे होंगे सेल्फ स्टार्टिंग प्रॉब्लम नॉर्मल होती है, जैसे कि हम लोग रिले चेंज कर देते हैं या फिर बैटरी चेक कर लेते हैं, इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं है। इसमें मेजर जो है अलग प्रॉब्लम है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि गाड़ी की जो वायरिंग वायरिंग है, ये सब कुछ हमने हटा रखी है, ये सब कुछ चेक कर रखी है, फिर भी जो है गाड़ी में जो प्रॉब्लम है वो सही नहीं हो रही है। फ्रेंड, एक चीज मैं और दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड, ये देखिए, ये हमने रिले इसमें डाल के देख लिए हैं, लेकिन फिर भी जो प्रॉब्लम है वो सही नहीं हो रही है। ठीक फ्रेंड, एक चीज मैं और दिखा देता हूँ कि अगर आपकी गाड़ी जो है स्टार्ट नहीं होती है, सेल्फ स्टार्ट नहीं करती है, तो आप लोग क्या करते हैं कि एक वायर जो है इसमें, ये जो व्हाइट वाली है, ये व्हाइट वाली में और ये अर्थिंग में, एक वायर इसमें एक वायर इसमें लगा करके लगा देते हैं, फिर भी गाड़ी जो है हमारी स्टार्ट नहीं हो रही है। जैसे कि आप लोगों ने पता है कि इस तरीके से लगाने से गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन ये नहीं हो रही है। ये एक्टिवा 5G है और 5G में ये प्रॉब्लम आती है। मैंने दो तीन गाड़ी में चेक किया कि ये प्रॉब्लम आती है। तो 5G में अगर सेल्फ स्टार्टिंग प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कैसे सही कर सकते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड, इसमें जो है आपको क्या चेक करना है, सबसे पहले जो है ये वाली तार में करंट चेक करना है। इसमें करंट चेक करना है, मतलब इसमें प्लस माइनस लगा के बल्ब लगा के चेक करना है कि अगर करंट आ रहा है नहीं आ रहा है, बल्ब जल रहा है तो करंट आ रहा है। ठीक फ्रेंड, उसके बाद आपको क्या चेक करना है, उसके बाद क्लच स्विच चेक करना है। जैसा कि मैंने काफी वीडियो में बता रखा है कि गाड़ी का क्लच स्विच चेक करना है। ठीक फ्रेंड, तीसरा होता है सेल बटन जरूर चेक करना है। ठीक फ्रेंड, हमने इतनी सारी चीजें चेक करके देख लिया, फिर भी जो गाड़ी है सेल्फ स्टार्ट नहीं हो रही है। सेल्फ स्टार्ट कैसे हुई है, कैसे किया है, क्या ट्रिक है, ये मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड, ये देखिए, ये CDI है, ये देखिए इस तरीके की, जिसमें CDI लगी होगी, 5G हो या 4G हो, इस तरीके की CDI लगी होगी, उसी में ये ट्रिक काम आएगी, दूसरी गाड़ियों में नहीं आएगी। ठीक फ्रेंड, आपको क्या करना है, मैं अभी सॉकेट निकाल के दिखाता हूँ, रोको जी। तो फ्रेंड, आपको क्या करना है ये मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले इसकी क्लिपें चेक कर लेनी, ये जो क्लिपें होती है ये चेक कर लेना है, ये क्लिप टूटी ना हो। ये जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि एक टूटी हुई है, लेकिन मेन फॉल्ट क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। मेन फॉल्ट आपको क्या करना है कि इसमें दो वायर होती है, ये देखिए, एक ये ग्रीन और ये व्हाइट। ठीक फ्रेंड, ये दोनों गाड़ी शॉर्ट करना है, तो मैं यहाँ से शॉर्ट कर देता हूँ, ये देखिए इस तरीके से शॉर्ट कर दिया। ठीक फ्रेंड, और इसके ऊपर क्या करना है, आपको CDI लगा देनी है। ठीक फ्रेंड, तो CDI का ये देखिए, ये CDI जो है हमको इस तरीके से लगा देनी है, ये हमने लगा दिया, ये लगा दिया, और ये जो कपलर होता है ये कपलर भी लगा देना, इस तरीके से लगाना। और अब हम गाड़ी का जो है सेल्फ स्टार्टिंग चेक करेंगे। तो सेल्फ स्टार्टिंग भाई मारिए, ये देखिए सेल्फ स्टार्टिंग प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो गई है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो गाड़ी में जो होता है CDI से भी सेल्फ स्टार्टिंग प्रॉब्लम होती है। अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि अगर आपकी CDI खराब होगी या भी CDI में अर्थ नहीं मिल रहा होगा तो उस भी आपकी सेल्फ स्टार्टिंग प्रॉब्लम आएगी। ठीक फ्रेंड, अगर आपकी गाड़ी में इसी तरीके से आएगी तो आपको ऐसे शॉर्ट कर लेना, शॉर्ट करके आपको स्टार्ट कर लेना है।